गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 100% एक ना एक टाइप आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। ये बात मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो के साथ। तो आज हम पहले समझेंगे न्यूमेरिकल, पहले समझेंगे इसके पहले फॉर्मूला कौन कौन से हमें अप्लाई करना है, ठीक है। केमिकल कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं, हमें वो अप्लाई करना है, वो सीखना है। अब फिलहाल समझते हैं हमने इसमें पढ़ा क्या क्या है। हम पढ़ चुके हैं रेट लॉ, पढ़ चुके हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, मॉलिकुलरिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब अप्लाई कैसे करते हैं, पहले रेट लॉ समझो। अगर कोई रिएक्शन ए से पी प्रोडक्ट बना रही है, या फिर ए प्लस बी नाम का कोई रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट बना रही है, तो क्या होता था, आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। सर ये अल्फा बीटा क्या है, ये हमारे एक्सपेरिमेंटल कोफिशियंट है, ठीक है। ये हमारे क्या है, एक्सपेरिमेंटल कोफिशियंट। ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग था, ऐसे ही लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। लॉ ऑफ मास एक्शन में अगर कोई रिएक्शन ए प्लस बी है, लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर कोई रिएक्शन ए प्लस बी है, प्रोडक्ट पी बना रही है, और उसके आगे कोफिशियंट मान के चलो यहां पे पी है और इसका क्यू है, ठीक। तो हम इसको कैसे लिखते थे, आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी एंड बी की पावर क्यू। ये हमारे क्या थे, ये हमारे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और इसमें क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल, जो कि एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। हम लोग सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता था, लॉ ऑफ मास एक्शन बताता था मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, और रेट लॉ क्या बताता था, रेट लॉ बताता था ऑर्डर के बारे में। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर का, यहाँ पे दो ऑर्डर पढ़ने हैं, सिमिलरली सिंपल, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, जीरो ऑर्डर कहता है भैया के इज इक्वल टू ए, या फिर के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू और मैं ए ए माइनस एक्स अपॉन टी। ये हम जरा समझा दें, ए या ए माइनस एक्स क्या है। अगर कोई रिएक्शन ए से पी प्रोडक्ट बना रही है, तो अगर यहाँ कंसंट्रेशन 100 है तो यहाँ जीरो होगा, प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है, टी टाइम में टी जीरो, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट बनना चालू हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया 30%, तो इसी में से माइनस होगा, इसी में से माइनस होगा, मतलब यहाँ कितना बचा 70, तो ये हमारा क्या हो जाता था x, और ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, ऐसे समझ में आता है, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। फर्स्ट ऑर्डर का हमें हाफ लाइफ भी पढ़नी है, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। सर इनकी डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन हम अलग से इसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे बाद में, अभी नहीं, अभी आपको जरूरी है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये है भैया जीरो ऑर्डर का, k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, या फिर a a माइनस एक्स, इसको ओपन करोगे तो यही वापस से एक्स अपॉन टी ही बचेगा। ऐसे k इज इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स, और t हाफ इज इक्वल टू 0.693। एक और है आपको पता होगा एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला, एक्टिवेशन एनर्जी, पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हमारे पास ये न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, अब इस न्यूमेरिकल को करना कैसे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर पेपर थोड़ा इजी आया, मॉडरेट लेवल का है, तो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एक ही टाइप है, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए बुक से। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट इन 5 मिनट, 20% रिएक्शन कंप्लीट होने 5 मिनट लग रहा है, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 60% ऑफ अ रिएक्शन। कह रहा है 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ओके चलो देखते हैं। हमारे पास कोई भी अगर रिएक्शन है ए से पी प्रोडक्ट बना रही है, तो ए हमेशा 100% होता है, जेन्युइन बात है। कह रहा 20% कंप्लीट होने 5 मिनट लगा, यानी कि ए माइनस एक्स 100 माइनस 20, यानी कि 80% बचा हुआ है, इसमें टी वन लगा कितना 5 मिनट। वहीं दूसरी तरफ 60% कंप्लीट होना है, 60% कंप्लीट होना मतलब क्या, ए हमारा फिर से अगेन 100%, तो ए माइनस एक्स 100 माइनस 60, तो बचा हुआ कितना 40%, ठीक है, हो गया क्या, टी टाइम पूछ रहा है इसमें टी टू कितना होगा, कुछ नहीं। अब हम लोग ये फर्स्ट ऑर्डर का है रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का k इज इक्वल टू 2.303
अपॉन टी वन लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, के टू इज इक्वल टू, ठीक है, 2.303 अपॉन टी टू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। दोनों की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या, 2.303, टी कितना दिया हुआ 5 मिनट, तो 5 लॉग, ए कितना गिवन है हमें, ए गिवन है 100%, और ये ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा 80%। ऐसे ही यहाँ पे के टू इज इक्वल टू क्या, 2.303, टी टू हमें निकालना है और लॉग की वैल्यू है 100, और ये ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा 40%। अगर हम के वन और के टू को इक्वल कर दें क्या होगा, 2.303 लॉग 100 अपॉन 80 इज इक्वल टू 2.303 टी टू, यहाँ पे टी वन है हमारे पास, टी फाइव फाइव है, ठीक है, और लॉग 100 अपॉन 40, ये दोनों इक्वल आ गए, ये वैल्यू सेम है, तो 2.303 से 2.30 कैंसिल, ठीक है, जीरो से जीरो कटा, यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है, क्या लिखेंगे 1/5। अब यहाँ पे एक चीज़ जानना भैया, log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, और log 8 की वैल्यू होती है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे log 8 log 10 है, पहले log 10 की वैल्यू होती है 1, जितने जीरो उतनी उसकी वैल्यू 1, log 8 की वैल्यू होती है 0.9030, log 4 की वैल्यू देखेगी आप होती है 0.6040, हाँ ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है 6020, रखो वैल्यू 1/5 log 10 माइनस log 8, 1/T2 log 10 माइनस log 4, ठीक है, अब बोर्ड में बनेगा नहीं, मैं इस पार्ट को इरेज कर दे रहे हैं, आप इस जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आया यहाँ log 5 log 10, ये कुछ वैल्यू ऐसे नहीं, 1/5 log 10 की वैल्यू कितनी है 1, log 8 की वैल्यू कितनी होगी 0.4 डिजिट तक है, हम दो डिजिट लेंगे 0.90, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे log 8 की वैल्यू होगी ये इज इक्वल टू log 10 की वैल्यू, ये वैल्यू 1/T2, log 10 की वैल्यू कितनी है 1, दो डिजिट तक लेंगे, ठीक है 0.60, 1/5 इंटू 1 में से 0.90 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आएगा आपका 0.10, और 1/T2 आएगा आपका 0.60, आराम से इसको कैलकुलेट करिए, 0.10/5 इज इक्वल टू 1/T2 यानी कि 0.60, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 5 मल्टीप्लाई टी टू अराउंड अराउंड 30 मिनट आपका आंसर आया, ठीक है, ये आपका आंसर कितना आया 30 मिनट, बस थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, इसको अच्छे से देखिएगा समझिएगा, अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2, ये भी है क्वेश्चन नंबर 2, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, कह रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर व्हेन द रेट कांस्टेंट इज 5 ईयर, ठीक है, रेट कांस्टेंट कितनी वैल्यू रखी 5 ईयर, अब हमने हाफ लाइफ का फॉर्मूला यहाँ लगाना है, वो भी किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, कैसे देखो जरा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 0.693 या फिर टी हाफ लिख सकते हैं इज इक्वल टू अपॉन के, यहां पे आपको हाफ लाइफ पता लगानी है, यानी कि के आपको गिवन है कितना है 5 ईयर, सिंपल फॉर्मूला, कुछ नहीं सोचना, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 5, और भैया इस तो सिंपल डिवाइड मार दो, सिंपल डिवाइड करोगे तो आ जाएगा क्या आपका ये 0.1, फिर आपका 1 3 5 3 15, फिर 8 लगभग 5 8 40, ठीक है 1 3 8 ईयर के अप्रॉक्स,
ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है तो कुछ नहीं, 0.693/5 नीचे जीरो बढ़ा दो, 5 से डिवाइड कर दो इसको, फिर डिवाइड कर देना, सिंपल यही आंसर आ जाएगा 0.138, कहीं कहीं लिखा होगा 1.38 × 10⁻¹¹ ईयर। अब है हमारे पास, अगर सर फर्स्ट ऑर्डर में मिक्स कर दें, हाफ लाइफ पूछ लें और आपका के कांस्टेंट बोले, तब क्या करेंगे? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब भैया क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 60 मिनट, कह रहा है फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। उसने फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्मूले में वो भी हाफ लाइफ पूछ ली, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो पहले हमने कोई रिएक्शन ए से पी प्रोडक्ट बना रही है, हमारा हमें जैसे पता है टी टाइम पे जो ए होता है वो क्या रहेगा 100%, ठीक है, कितना रहने वाला है ए की वैल्यू 100%, तो ए माइनस एक्स 100 - 75 कितना हुआ 25, यानी कि जो हमारा और कितने टाइम में टी टाइम कितना है 60 मिनट। फॉर्मूला सिंपल अप्लाई करो, के इज इक्वल टू 2.303 और आपका अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स 2.303 अपॉन 60, टी कितना दिया 60 मिनट्स, लॉग 100 / 25। अब इसको सॉल्व करना है, 25 × डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, तो 2.303/60 × log 4, और log 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6020, ठीक है, तो यहाँ log 4 की वैल्यू रखेंगे, मतलब हमारे पास ये है 2.303/60 × log 4 की वैल्यू है 0.60, पॉइंट हटाओ नीचे दो जीरो बढ़ाओ, 60 से 60 कैंसिल, 2.303/100 कितना आया 0.02303, ये हमारे पास आया। कह रहा है हाफ लाइफ बताओ, हाफ लाइफ ये हमारा के कांस्टेंट निकल आया है, ठीक है, टी हाफ इजिकल टू फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करते हैं 0.693/ इतनी बड़ी वैल्यू क्या ही लेनी है, तो आप क्या करो इसको लिख लो 0.023, यही होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो यही कहता है टी हाफ इजिकल टू 0.693/k, ठीक है, वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, ठीक, क्या हुआ पॉइंट से पॉइंट काटू, 23 से डिवाइड करो, 23 = 69 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट आ जाएगा 30.1 मिनट, ये आप कहाँ सा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, वो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है टेबल और सीरीज वाले, बने रहिए, पार्ट 2 हम लोग बनाते हैं जल्दी से, ठीक है।